श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मंगल मूरति सतगुरु मिलव शरवाधार, मंगलमय मंगल करना विनव बारंबार। धन धन सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणी सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, अभी आप लोगों ने रामचरित मानस का पाठ सुना, जिसमें राम के प्रबल प्रकाश सूर्य का वर्णन आया है, और यह भी आया है कि जब सूर्य का उदय हुआ तो तीनों लोकों में प्रकाश हुआ। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता है कि पहले तीनों लोकों में अंधकार था और जब यह सूर्य उदय हुआ तो तीनों लोकों में प्रकाश हुआ। जिस समय भगवान राम थे उस समय यह सूर्य हुआ था, ऐसी बात भी नहीं है। वस्तु स्थिति का स्पष्टीकरण गोस्वामी जी ने आगे चलकर किया है, वह इस प्रकार है। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, रामचरित मानस। अर्थात राम का प्रबल प्रताप रूप सूर्य का जब जिसके हृदय में उदय होता है तो उसको तीनों लोक सूझते हैं। बाहर के सूर्य के उदय होने पर एक लोक में भी प्रकाश नहीं होता है, तीन लोक की बात कौन कहे। अभी यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में रात है। एक लोक यानी समस्त मर्त्य लोक में भी प्रकाश नहीं है। इसी लोक के उत्तरी ध्रुव के निकट नॉर्वे और स्वीडन है, जहाँ 6 महीने का एक दिन होता है और 6 महीने की एक रात होती है। अगर वह सूर्य बाहर में उदय हुआ होता तो वहां भी प्रकाश फैल गया होता। गोस्वामी जी द्वारा रामचरित मानस में वर्णित सूर्य बाहरी सूर्य नहीं है, आंतरिक सूर्य है। साधक जब साधना करते हैं तो वे आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्र दल कमल में पहुंचते हैं। उसके ऊपर जब वे त्रिकुटी में जाते हैं तब उनको उस सूर्य के दर्शन होते हैं, जिससे उनको तीनों लोक दिखते हैं। हम लोगों के गुरुदेव थे, उनकी साधना इतनी ऊंची थी कि वे कहीं भी रहकर कहीं के दृश्य देखते थे। उस घटना के संबंध में कई बार मैं कह चुका हूँ। आंतरिक सूर्य की चर्चा संत कबीर साहब की वाणी में पाते हैं। यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाज अनहद तूर, यही घट बाज तबल निशान, बहिरा शब्द सुनय नहीं कान। आज्ञा चक्र से आगे बढ़कर सहस्र दल कमल में चंद्र के दर्शन होते हैं और आगे बढ़कर त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन होते हैं। संत कबीर साहब के अतिरिक्त अन्य संतों की वाणियों में भी हम पाते हैं कि हम लोगों के अंदर चंद्रमा सूर्य और तारे भी हैं। इसका वर्णन गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में इस प्रकार है। रवि शशि लव के यहु तनु, किंगुरु बाजे शबद निरारी, तथा तारा चिड़िया लंबा क्यो नदरी निहालिया राम। जो कोई अपने अंदर में चलते हैं यानी अंतर साधना करते हैं, उनकी एकाग्रता होती है। एकाग्रता में उधर्व गति होती है। वे पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, वहां उनको तारे चंद्र आदि सूर्य आदि के दर्शन होते हैं। यह आंतरिक बात है, बाहर की नहीं। बाह्य संसार में बिना प्रकाश और बिना शब्द के हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का अभाव हो जाए तो हम लोगों का जीवन दुभर हो जाएगा। इसलिए जिस तरह बाह्य संसार में प्रकाश और शब्द की आवश्यकता होती है, उसी तरह
अपने अंदर में भी प्रकाश और शब्द की आवश्यकता होती है। हम बाह्य जगत में किन्हीं व्यक्ति व वस्तु की पहचान प्रकाश और शब्द के द्वारा करते हैं, उसी तरह ईश्वर की पहचान के लिए भी अपने अंदर प्रकाश और शब्द की आवश्यकता है। प्रकाश और शब्द का अवलंब लेकर उसके पड़े जाकर प्रभु से मिलकर हम एकमेक हो जाते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी बाह्याकाश स्थित सूर्य के प्रकाश के कारण सब कोई एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन जब तक एक दूसरे से नहीं पूछा जाए कि आपका क्या नाम है, आपका कहाँ घर है, आप क्या काम करते हैं आदि, तब तक पूरी पहचान नहीं हो सकती। किन्हीं की पूरी पहचान तभी होगी जब बातचीत करके उनका परिचय जान लेंगे। अभी इतने लोग परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ समय के पश्चात यदि अन्यत्र उनको कहीं हम देखेंगे तो मन में होगा कि कहीं इनको देखा है। बहुत याद करेंगे तो स्मरण होगा कि अमुक स्थान पर इनको देखा था, लेकिन ये कौन है इसका पता नहीं। पूरी पहचान तभी होगी जब उनसे हम नाम पता आदि पूछ लेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बाहरी संसार में प्रकाश और शब्द आवश्यक है, वैसे ही आंतरिक जगत में भी प्रकाश और शब्द अनिवार्य है। परमात्मा ने हमारे लिए कितना अच्छा नमूना दे रखा है। आप बाह्याकाश में देखते हैं, काले काले बादल मंडरा रहे हैं, बिजलियां कौंधती है, पश्चात कड़ाके की आवाज सुनते हैं। इस प्राकृतिक दृश्य के द्वारा परमात्मा ने अंतः साधना में दर्शित दिशा की ओर संकेत किया है। अर्थात साधक जब नेत्र द्वय बंद कर गुरु निर्देशित स्थान पर देखते हैं, तो वे अंदर देखते हैं कि काले काले बादल मंडराते हैं, बिजलियां चमकती हैं और जोर की आवाज होती है। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, श्रवण वृष्टेरिव स्वर्णः पवमानस्य सुषिम्नः चरन्ति विद्युतो दिवि। आकाश में बिजलियां चलती हैं और उस समय वृष्टि के शब्द के समान बलवान पाप शोधक उसका शब्द सुन पड़ता है। साधक के मूर्धा स्थल में विद्युत की सी कांतियां व्याप्ती हैं, अनाहत पटह के समान गर्जन अनायास सुनता है। वह स्वच्छ पवित्र आत्मा का ही शब्द होता है। आपने अनेक बार देखा होगा कि जब बिजली खूब जोर से चमकती है तो आवाज भी जोरों की सुनते हैं। इस प्रकार पहले प्रकाश देखते हैं, फिर शब्द श्रवण होता है। इसी प्रकार आंतरिक साधना करने वाले साधक को प्रथम प्रकाश की अनुभूति होती है, पश्चात शब्द की। यदि हम सृष्टि क्रम की ओर दृष्टि करेंगे तो पाएंगे कि पहले शब्द है, उसके बाद प्रकाश है और तत्पश्चात अंधकार है। लेकिन साधना का आरंभ अंधकार से होने के कारण साधक अंधकार के पड़े पहले प्रकाश को पाते हैं, पीछे शब्द को। इसका अर्थ यह नहीं कि शब्द पीछे होता है, वस्तुतः शब्द पहले होता है, किंतु हम पीछे सुनते हैं। जो कोई अंतर साधना करते हैं उनकी ये अनुभूतियां होती है। मैत्रियोपनिषद में एक प्रसंग आया है, एक ब्राह्मण थे, वे अन्य ब्राह्मणों की भांति संध्या वंदन गायत्री जप पूजा पाठ आदि नहीं करते थे, अपनी साधना में लगे रहते थे। उनकी पत्नी अपने अड़ोस पड़ोस में सखी सहेलियों से मिलने के लिए जाती थी, तो वे लोग उनको हंसी मजाक में कहा करती थी कि तुम तो ब्राह्मणी है लेकिन तुम्हारा विवाह शूद्र से हो गया है, तुम्हारे पति ब्राह्मण नहीं है। यदि वे ब्राह्मण होते तो समय पर स्नान करते, गायत्री मंत्र जप करते, त्रयकाल संध्या करते, समय पर ब्राह्मणोचित पूजा पाठ आदि करते, लेकिन वे तो ये सब करते नहीं है। घर लौटने पर अपने पति से कहती हैं कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, वे उन बातों को सुनकर कुछ उत्तर नहीं देते। ब्राह्मणी जब जब पड़ोसिन के पास जाती तब तब उनको वही बातें सुनने को मिलती। एक दिन बहुत दुखी होकर वे अपने पति से कहने लगी, मैं आपसे बार बार कहती हूँ किंतु आप मेरी बात पर
ध्यान नहीं देते हैं। उनके पति ने कहा, देवी तुम नहीं जानती हो और जो पड़ोसिन तुमको कुछ कहती हैं वह भी नहीं जानती है कि मैं क्या कहता हूँ। अरे संध्या किसको कहते हैं? संध्या कब की जाती है? सूर्यास्त होता है उसको संध्या कहते हैं, यानी दिन का अंत होता है और रात का आरंभ होता है उसे संधि काल को संध्या कहते हैं। पूर्वाह्न का अंत और अपराह्न का आरंभ होता है उसको मध्याह्न संध्या कहते हैं। रात्रि का अंत और दिन का आरंभ होता है उसको प्रातः संध्या कहते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या मानते हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। जहाँ सूर्योदय अथवा सूर्यास्त ही नहीं वहाँ संध्या कैसी? हमारे हृदय रूपी आकाश में चेतन रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, वह न उगता है न डूबता है, मैं संध्या कैसे करूं? मैत्री उपनिषद में लिखा है, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भासति नास्तमेति न चो देति कथं संध्या पुमास महे। जो कोई आंतरिक साधना करते हैं उनको इस प्रकार की अनुभूति होती है, उनको प्रथम तो प्रकाश मिलता है, पश्चात शब्द भी, शब्द में गुण होता है केंद्र में खींचने का, तो जो ईश्वर की ओर से शब्द आ रहा है उस शब्द को जो पकड़ता है वह ईश्वर तक पहुंचता है। नादानुसंधान का साधक पहले स्थूल के केंद्र का शब्द पकड़ता है, स्थूल सूक्ष्म की संधि पर उस शब्द को पकड़कर उससे खींचकर सूक्ष्म के केंद्र पर जाता है, सूक्ष्म के केंद्र पर के शब्द को पकड़कर वह कारण के केंद्र पर जाता है, कारण के केंद्र पर शब्द को पकड़कर महाकारण के केंद्र पर के शब्द को पकड़कर जरावरण को पार करके कैवल्य में पहुंचता है, वहां सार शब्द को पकड़कर निःशब्दं परम पदम में पहुंच जाता है, वहां परमात्मा को प्राप्त कर जीव पीव मिलकर एक हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। संत मत के अंतर साधना पर थोड़ा सा कहा। परम पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग हॉल में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर दिनांक 18/7/1993 ईस्वी को हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।